इस मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि 1912 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराने की वजह से समुद्र में डूब गया था और उस इंसिडेंट के अंदर 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और कई लोग समुद्र की गहराइयों में गायब हो गए। अब इसके 84 सालों के बाद एक रिसर्च ग्रुप टाइटैनिक को ढूंढने जाता है क्योंकि उसके अंदर हार्ट ऑफ द ओशियन होता है जो कि दुनिया का सबसे कीमती डायमंड है। ये सब लोग मॉडर्न मशीनरी और टेक्नोलॉजी की मदद से टाइटैनिक को ढूंढ रहे होते हैं। काफी मेहनत और मशक्कत करने के बाद इनको एक बॉक्स मिलता है और जब ये उस बॉक्स को खोलते हैं तो उस बॉक्स के अंदर वो डायमंड नहीं होता। उस बॉक्स के अंदर सिर्फ कुछ पैसे और एक फोटो होती है जिसे देखकर ये सब लोग निराश हो जाते हैं और जब ये उस फोटो को साफ करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एक लड़की की फोटो है जिसने वो डायमंड पहन रखा है और फोटो में तारीख लिखी होती है 14 अप्रैल 1912 यानी कि टाइटैनिक के डूबने से एक दिन पहले इस फोटो को बनाया गया था। इसके बाद न्यूज में ये दिखाया जाता है कि एक रिसर्च टीम टाइटैनिक को ढूंढ रही है और फिर ये न्यूज एक बूढ़ी औरत देख लेती और फिर वे तुरंत उस रिसर्च टीम को कॉल करती है और कैप्टन से पूछती है कि क्या आप लोगों को हार्ट ऑफ द ओशियन मिला। ये सुनने के बाद कैप्टन हैरान हो जाता है क्योंकि न्यूज में तो सिर्फ टाइटैनिक के बारे में ही बताया जाता है और न्यूज के अंदर उस डायमंड का जिक्र नहीं होता है। इसके बारे में तो सिर्फ डायमंड टीम के ओनर और रिसर्च टीम को ही पता होता है, इसीलिए कैप्टन उस औरत से पूछने लगता है कि क्या आपको पता है कि इस फोटो के अंदर लड़की कौन है। तब वह बूढ़ी औरत कहती है कि वह लड़की मैं ही हूँ। इसके बाद कैप्टन अपनी टीम को कहकर उस बूढ़ी औरत को अपने पास बुला लेता है और जब वह बूढ़ी औरत उस फोटो को देखती है तो वो कहती है कि ये मैं ही हूँ रोज। इसके बाद हम देखते हैं कि रिसर्च टीम का एक मेंबर टाइटैनिक की कहानी बताने लगता है, लेकिन रोज कहने लगती है कि तुमने ठीक ही एक्सप्लेन किया लेकिन जो मेरे सामने हुआ उसकी फीलिंग कुछ अलग ही थी। और फिर वे अपनी कहानी बताने लगती है। टाइटैनिक साउथ अमेरिका से रवाना हुआ था और ये रोज की पहली जर्नी थी जो उसके लिए इतिहास बन गई थी। रोज उस समय 17 साल की थी और वह अपनी मॉम और अपने मंगेतर हॉकली के साथ फर्स्ट क्लास में न्यूयॉर्क जा रही थी। इसके बाद हम जैक डॉब्सन को देखते हैं जो एक स्केच आर्टिस्ट होता है। जैक के पास ज्यादा पैसे नहीं होते और ना ही उसका रहने का कोई परमानेंट ठिकाना होता है, लेकिन फिर भी जैक अपनी लाइफ से बहुत खुश होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक अपने दोस्तों के साथ बार में बैठकर जुआ खेल रहा होता है और जुआ खेलते खेलते वो टाइटैनिक की थर्ड क्लास की टिकट जीत लेता है और टाइटैनिक के निकलने से पहले वे दोनों भी उसके अंदर चढ़ जाते हैं। इसके कुछ टाइम बाद टाइटैनिक का कैप्टन जहाज को बहुत ही तेज स्पीड में चलाने को कहता है। दरअसल वे देखना चाहता है कि टाइटैनिक कितनी पावरफुल है। जब जैक अपने दोस्त के साथ अपनी ट्रिप को एंजॉय कर रहा होता है तब उसकी नजर रोज पर पड़ जाती है और फिर वो उसे घूरने लगता है। तभी उसका दोस्त कहने लगता है कि ये अमीर लड़की है, तुम्हारी औकात से बाहर है। तभी जैक ये नोटिस करता है कि वह लड़की रोज बाकी पैसेंजर्स की तरह एक्साइटेड और खुश नहीं है। और ऐसा ही होता है क्योंकि रोज इतने बड़े आलीशान जहाज टाइटैनिक के अंदर सफर तो कर रही है लेकिन वह अंदर से खुश नहीं है क्योंकि उसकी जबरदस्ती शादी हो रही है और वो उसे फोर्सली ले जा रहा है। रोज के आसपास हमेशा ही पैसों और पावर की बातें होती रहती है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए रोज को टाइटैनिक जहाज एक जेल की तरह लग रहा होता है। और फिर न्यूयॉर्क पहुंचते ही उसकी शादी हो जाएगी और उसे कभी आजादी नहीं मिलेगी और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी डर की वजह से एक दिन रोज टाइटैनिक से समुद्र में कूदकर सुसाइड करने की कोशिश करती है लेकिन उसे तैरना नहीं आता, इस वजह से वह काफी डरती है। तभी मौके पर जैक आ जाता है जो उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ कूदूंगा और फिर हम दोनों की दर्दनाक मौत हो जाएगी। लेकिन फिर ये कैसे भी रोज को समझाता है और उसे मना करता है कि उसे सुसाइड नहीं करना चाहिए। और जब जैक रोज का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर लाता है तब उसका पैर फिसल जाता है, इस वजह से रोज रेलिंग से लटक जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी जैक उसकी मदद करता है और उसे खींचकर ऊपर लेकर आ जाता है। तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं और गार्ड्स को ऐसा लगने लगता है कि जैक रोज के साथ मिसबिहेव कर रहा था, इस वजह से वो उसे पकड़ लेते हैं और होगली को इन्फॉर्म करते हैं। और जब होगली आता है तो वे जैक के साथ बदतमीजी से और गुस्से में बात करता है और साथ ही उसे गालियां भी देने लगता है। लेकिन तभी रोज कहने लगती है कि सारी गलती मेरी थी, मेरा पैर फिसल गया था और जैक ने मुझे बचाया है। तभी हम देखते हैं कि होगली जैक को कुछ पैसे देकर वहां से जाने के लिए कह देता है, लेकिन रोज कहती है कि मेरी जान बचाने की बस इतनी सी कीमत है। इसीलिए फिर होगली जैक को डिनर के लिए इनवाइट करता है और जब रोज जैक से मिलती है तो उसे पता चलता है कि जैक तो एक स्केच आर्टिस्ट है और वे गरीब है, लेकिन उसने काफी दुनिया घूम रखी है और वह अपनी लाइफ के हर एक लम्हे को एंजॉय करता है जो कि रोज नहीं कर पाती है, यहाँ तक कि उसकी शादी भी उसके खिलाफ हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज की माँ अपने फ्रेंड्स के साथ आती है। रोज सभी को जैक से मिलवाती है और सभी लोग जैक के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं सिर्फ उसकी माँ को छोड़कर, क्योंकि जैक एक गरीब लड़का होता है इस वजह से वो जैक को बार बार इग्नोर करती है। इसके बाद रोज अपनी मॉम के साथ रात की पार्टी के लिए तैयार होने के लिए चली जाती है।
तभी हम देखते हैं कि एक लेडी जैक को कहती है कि तुम रात की पार्टी के अंदर क्या पहनने वाले हो। तब जैक कहता है कि मेरे पास तो पहनने के लिए सिर्फ यही है, तो मैं यही पहन लूंगा। लेकिन वो लेडी उसे अपने कमरे में ले जाती है और वहां पर उसे अपने बेटे का सूट पहना देती है। अब रात को रोज जैक को पहचान नहीं पाती है क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट लग रहा होता है। लेकिन डिनर करते टाइम होकली और रोज की मॉम जैक को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन जैक भी कम नहीं होता है। वो स्मार्टली उनके सारे सवालों का जवाब देता है और फिर डिनर खत्म होने के बाद वे सबको गुड बाई कहकर वहां से चला जाता है। लेकिन जाते जाते जैक रोज को एक मैसेज देकर जाता है कि मुझसे घड़ी के पास आकर मिलना। और जब रोज उससे मिलती है तो जैक उसे ने लगता है कि क्या तुम देखना चाहती हो कि हम गरीबों की पार्टी कैसी होती है। इसके बाद जैक रोज को उसकी थर्ड क्लास की पार्टी में लेकर जाता है जहां पर सब लोग मजे कर रहे होते हैं और नाच गा रहे होते हैं। सभी लोग वहां पर बहुत खुश होते हैं, सब लोग साथ में होते हैं, किसी में भी एटीट्यूड नहीं होता है। और जब वहां का नजारा रोज देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि लोग ऐसे भी रह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रोज भी वहां पर जैक के साथ नाचने लगती है, लेकिन उसको नाचते हुए होकली का एक चमचा देख लेता है और वह ये सब कुछ होकली को जाकर बता देता है। अगली सुबह जब रोज होकली के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है तब वहां पर होकली रोज पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पर भड़क जाता है और उसे गालियां देने लगता है और उसे धमकाने भी लग जाता है। इसके बाद रोज की मॉम उसे समझाने लगती है और इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है। वह कहती है कि अगर तुम होकली से शादी कर लोगी तो हमारी पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद रोज अपनी मॉम की बात मान लेती है और कहने लगती है कि मैं अब जैक से दोबारा नहीं मिलूंगी। लेकिन एक दिन जैक खुद रोज से मिलने आता है और उसे पकड़कर एक रूम में ले जाता है और कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ पर रोज को अच्छा नहीं लगता है और वहाँ से वह चली जाती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद रोज को यह महसूस होने लगता है कि वह अपनी लाइफ से खुश नहीं है। यहाँ पर उसका दम घुटता है, अगर वो जैक के साथ रहेगी तो वे हमेशा खुश रहेगी। और ये सोचकर रोज फिर जैक के पास चली जाती है जहाँ पर जैक टाइटेनिक की रेलिंग के पास खड़ा होता है, लेकिन वे उदास होता है। लेकिन जब रोज उसके पास आ जाती है तो वे बहुत खुश हो जाता है और फिर यहाँ पर इन दोनों का पहला किस होता है। इसके बाद रोज उसे अपने कमरे में लेकर जाती है और उसे हार्ट ऑफ द ओशन दिखाती है जो कि होकली ने उसे दिया था। और दोस्तों ये वही डायमंड होता है। और फिर रोज कहती है कि तुम मेरा स्केच बनाओ सिर्फ इसी डायमंड को पहने हुए। और फिर रोज सोफे पर लेट जाती है और जैक उसका स्केच बनाता है और ये वही स्केच होता है जो प्रेजेंट टाइम के अंदर रिसर्च टीम को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज होकली के लिए एक लेटर लिखती है और जैक उस डायमंड को तिजोरी में रख देता है और फिर ये दोनों वहां से चले जाते हैं। और जब होकली उस रूम में आता है तो उसे रोज का वे स्केच और लेटर मिल जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि अगर तुम चाहो तो अब मुझे कैद करके रख सकते हो। इसके बाद होकली अपने चमचों को बोलता है कि वे जैक और रोज को उसके पास लेकर आए। दूसरी तरफ हम जैक और रोज को देखते हैं जो कार के अंदर इंटीमेट हो जाते हैं और ये दोनों यहीं पर नहीं रुकते हैं बल्कि ये जहाज के ऊपर आने के बाद भी वहां पर रोमांस करने लग जाते हैं। और रोज जैक को कहने लगती है कि जब ये जहाज रुकेगा तो फिर मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि जहाज के गार्ड सामने देखने की बजाय इन दोनों को रोमांस करते हुए देखने लग जाते हैं, जिस वजह से उन दोनों का ध्यान हट जाता है और सामने एकदम से ही एक बर्फ की चट्टान आ जाती है। और फिर तुरंत कैप्टन जहाज की स्पीड को कम करने के लिए कहते हैं और जहाज को लेफ्ट घुमाने के साथ साथ जहाज के इंजन को भी रिवर्स कर दिया जाता है। लेकिन टाइटेनिक जहाज इतना बड़ा होता है कि एकदम से उसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होता है और इस वजह से टाइटेनिक उस आइसबर्ग से टकरा जाता है और फिर टाइटेनिक नीचे से डैमेज हो जाता है जिस वजह से धीरे धीरे उसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। अब रोज और जैक भी ये सब कुछ देख लेते हैं और उन गार्ड्स की बातें सुन लेते हैं। इस वजह से वे बहुत घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए और वे तुरंत ही होकली के पास जाकर उसे ये सब कुछ बता देते हैं। लेकिन वहां पर पुलिस मौजूद होती है जो जैक की तलाशी लेने लगती है और तलाशी के दौरान उन्हें जैक की पॉकेट में से वो डायमंड मिलता है। दरअसल होकली ने प्लानिंग से अपने चमचे से कहकर जैक की पॉकेट के अंदर वो डायमंड डलवा दिया था, जिस वजह से यहाँ पर पुलिस जैक को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ हम कैप्टन को देखते हैं जो ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें टाइटेनिक को कैसे बचाना है। लेकिन टाइटेनिक के आर्किटेक्ट उन्हें कहते हैं कि टाइटेनिक एक दो घंटे के अंदर डूबने वाला है, इसीलिए सभी पैसेंजर्स को कहा जाता है कि वे लाइफ बोट पर आ जाए। लेकिन लाइफ बोट बहुत कम होती है और पैसेंजर्स बहुत ही ज्यादा और सारे अपनी अपनी जान बचाने के चक्कर में लग जाते हैं। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट क्लास के लोगों को बोट में उतारा जाता है और जब रोज की बारी आती है तो वो होकली को छोड़कर जैक के पास जाने लगती है। उसकी मॉम और होकली रोज को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन रोज नहीं रुकती है और वे टाइटेनिक के अंदर इधर से उधर जैक को ढूंढने लगती है और काफी ढूंढने के बाद उसे फाइनली जैक मिल जाता है, जिसे कि एक कमरे के अंदर एक पाइप से हथकड़ी के द्वारा बांध दिया जाता है। दरअसल होकली उसे वहां पर मरने के लिए छोड़ देता है। अब रोज उस हथकड़ी के लॉक को खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसे चाबी नहीं मिलती। तभी फिर वह वहां पर पड़ी कुल्हाड़ी से उस लॉक को तोड़ देती है
और जब ये दोनों ऊपर जाते हैं तब इन्हें पता चलता है कि सारी बोट तो चली गई है, लेकिन अभी भी जहाज के ऊपर काफी लोग बचे हुए हैं। तभी एक आदमी कहता है कि इस जहाज की दूसरी तरफ दो बोट अभी भी है, लेकिन वे सिर्फ बच्चों और औरतों के लिए है। इसीलिए जैक रोज को जाने के लिए कहता है, लेकिन रोज जैक को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। तभी होगली कहता है कि तुम इस बोट के अंदर चली जाओ, मैं पीछे से दूसरी बोट के अंदर जैक को लेकर आ जाऊंगा। इसी दौरान होगली रोज को अपना जैकेट पहना देता है जिसके अंदर वो डायमंड होता है, लेकिन इस बारे में होगली को पता नहीं होता है। और फिर धीरे धीरे रोज की बोट नीचे उतरने लगती है। इसके बाद होगली जैक को यह कहने लगता है कि उस बोट के अंदर मैं जाने वाला हूँ। जैक कहता है कि मुझे पता ही था कि तुम ऐसा ही करने वाले हो। अब क्योंकि रोज को भी होगली पर भरोसा नहीं है, इस वजह से वो बोट से कूद कर फिर से जहाज में आ जाती है और दौड़ कर जैक के पास चली जाती है। तभी होगली उन्हें देख लेता है और वे गुस्से में आकर इन पर शूट कर देता है, लेकिन ये दोनों अपनी जान बचाते हुए जहाज के निचले फ्लोर पर आ जाते हैं और धीरे धीरे पूरे जहाज में पानी भरना शुरू हो जाता है। लेकिन होगली को भी अपनी जान बचानी थी, इसीलिए वो उस आखिरी बोट में जाने लगता है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है क्योंकि वो बोट सिर्फ बच्चों और औरतों की थी। और तभी होगली अपना शातिर दिमाग चलाता है और एक बच्चे को लाता है और कहने लगता है कि ये बच्चा गुम गया है। इस वजह से उसे फिर आखिरी बोट में बिठा दिया जाता है। इधर जैक और रोज दूसरी साइड चले जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाइटेनिक जहाज के दो टुकड़े हो जाते हैं और फिर बाकी लोगों की तरह जैक और रोज भी पानी में डूबने लगते हैं। उस समुद्र का पानी बहुत ठंडा होता है, यानी कि पानी का टेम्परेचर बहुत कम होता है। इस वजह से लोग तैरते हुए भी अपने आप को नहीं बचा पाते और धीरे धीरे सब लोग मरने लगते हैं। तभी जैक को एक बोट पैनल दिखती है जिस पर वे रोज को चढ़ा देता है, लेकिन जब वे खुद ऊपर आने की कोशिश करता है तो वे पैनल डूबने लगता है क्योंकि वो साइज में बहुत छोटा होता है और उस पर सिर्फ एक ही चढ़ सकता है। इस वजह से फिर जैक रोज को चढ़ा देता है और खुद पानी के अंदर रहता है। दूसरी तरफ एक बोट के अंदर अभी भी जगह होती है, इस वजह से उस बोट के पैसेंजर्स को दूसरी बोट में शिफ्ट किया जाता है और उस बोट के गार्ड लोगों को ढूंढने लगते हैं ताकि अगर कोई जिंदा बचे तो फिर उन्हें भी बोट पर लाया जा सके। लेकिन जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर सभी लोग लाश बन चुके हैं और उनकी बॉडी बर्फ बन चुकी है। जैक की हालत भी बहुत खराब हो जाती है, लेकिन वे रोज का साथ नहीं छोड़ता है और रोज को मोटिवेट करने लग जाता है। तब इनके पास वो बोट आ जाती है, लेकिन उन्हें सिर्फ लाशें ही नजर आती है। तभी उस बोट की आवाज रोज सुन लेती है, इस वजह से वो उन्हें आवाज देने लगती है और जैक को जगाने लगती है, लेकिन जैक मर चुका होता है। तभी फिर रोज भी डिसाइड करती है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी, लेकिन उसे जैक का वादा याद आता है कि उसे जैक के लिए जिंदा रहना है, इसीलिए वो जैक का हाथ छोड़ देती है और फिर जैक समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। और हम देखते हैं कि रोज उन्हें आवाज देने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत खराब होती है, इस वजह से उसकी आवाज तक नहीं निकलती है। तभी उसे एक गार्ड की सीटी मिलती है और फिर वो उस सीटी को बजाने लगती है और सीटी की आवाज से बोट उसके पास आ जाती है और फिर रोज को रेस्क्यू कर लिया जाता है। जो बाकी पैसेंजर्स बचे होते हैं उन्हें दूसरे जहाज में भेज दिया जाता है, जहाँ पर रोज की मॉम और होगली भी होता है, लेकिन रोज उनके सामने नहीं जाती है, वो उसी जहाज में ही छुप जाती है। और न्यूयॉर्क पहुँचने के बाद वो अपना नाम रोज डाउसन बताती है, यानी कि जैक की वाइफ। होगली और उसकी मॉम उसे बहुत ढूंढते हैं, लेकिन रोज उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती है। इसके बाद में रोज को अपनी जैकेट के अंदर वो डायमंड मिलता है, लेकिन रोज अपनी कहानी का यह हिस्सा उन रिसर्चर्स को नहीं बताती है। अब रोज की यह कहानी सुनकर वो टीम बहुत इमोशनल हो जाती है और उस डायमंड हार्ट ऑफ द ओशन को ढूंढना बंद कर देती है। इसके बाद रोज जहाज के ऊपर जाकर उस डायमंड को पानी के अंदर फेंक देती है, जिसको उसने सालों से संभाल के रखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि जब रोज सोने जाती है तब उसे ये सपना आने लगता है कि वो फिर से टाइटेनिक के अंदर है। सब लोग उसका स्वागत कर रहे हैं और साथ ही जैक भी घड़ी के पास उसका इंतजार कर रहा है। फिर रोज जैक से मिलती है और दोस्तों इसी के साथ टाइटेनिक मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस बेमिसाल मूवी की कहानी आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।